नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद अचंभित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। डीजे पर नाचती गाती घर आ गई बारात, तभी मंडप में मची रोयाधार। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदली जब दोस्तों मचा हडकंप। जी हां साथियों, बता दें वजह ऐसी जिसे सुनकर आप भी कहोगे खाली पीली में शादी रुक जाती। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में डीजे पर नाचना बारातियों समेत दूल्हा और दुल्हन और उनके परिवार को भारी पड़ गया। दूल्हा तैयार और दुल्हन भी तैयार थी, तभी काजी ने किया निकाह करने से इनकार और दोस्तों मचा हडकंप। काजी इस बात से इतने नाखुश हुए कि उन्होंने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उन्होंने दलील दी कि इस तरह का ट्रेंड इस्लामिक रीति रिवाज के खिलाफ है, इसलिए वो निकाह बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। काजी की बात सुनते ही शादी समारोह में सन्नाटा पसर गया। तभी माहौल की नजाकत को मापते हुए दूल्हे के पिता और उसके बड़े भाई ने भरी बारात में मौलाना से माफी मांगी और ऐसा काम भविष्य में कभी न करने की बात कही। तब जाकर मौलाना मानी और वो निकाह करने के लिए राजी हुए। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी, कहा कि अगर उन्होंने भविष्य में शादी समारोह में डीजे बैंड बजाई तो दोस्तों उन पर 5,051 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद काजी ने दूल्हा और दुल्हन को निकाह पढ़ाया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जी हां साथियों, अब आप ही बताइए, मात्र छोटी सी बात थी, बारातियां जो दोस्तों बाराती थे वो आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे थे डीजे पर नाच कूद कर। लेकिन दोस्तों ये जो काजी है उसको अच्छा नहीं लगा और वो दोस्तों नाराज हो गया और दूल्हा और दुल्हन का निकाह कराने से इनकार कर दिया। दोस्तों काजी का ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।